जितने भी बच्चे आईसर की काउंसलिंग कर रहे हैं, जो विड्रॉल प्रोसेस को लेकर परेशान है, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा एंड प्लीज प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे प्रॉब्लम में आ रहे हैं एंड विड्रॉल नहीं कर पा रहे एंड उनके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज और भी आपको वीडियो जैसे मिलते रहेंगे। जैसे जिन बच्चों को सीट राउंड 6 में मिली है या उसके ऊपर मिली हुई है, उनको अपग्रेड हुई है, तो वो आज मतलब 18 तारीख तक विड्रॉल कर सकते हो। विड्रॉल करने के समय जब भी हम पोर्टल पे खोल रहे हैं तो बच्चों को विड्रॉल वाला ऑप्शन ही नहीं खुल रहा है, जैसा कि मैंने ईमेल भी किया एंड आईसर में फोन करके बात भी की है। तो आपको करना क्या है, लॉग इन करना है पहले अपने ऑनलाइन पोर्टल में, क्लिक करना है एससीबी पोर्टल में, जिनको जेईसी मिला है जेई पोर्टल पे, क्लिक ऑन डिसीजन मेकिंग टैब, उसके बाद क्लिक हियर टू व्यू अलॉटेड सीट जो आपको शो हो रही होगी, उसके बाद ओटीपी जनरेट करना है एंड एक्सेप्ट एंड फ्रीज करना है या एक्सेप्ट एंड फ्लोट करना है। काफी सारे बच्चे इसके पहले ही सोच रहे होंगे विड्रॉल ऑप्शन आ रहा होगा, पहले विड्रॉल का ऑप्शन नहीं आएगा, पहले आपको एक्सेप्ट या फ्लोट करना है या एक्सेप्ट करके फ्रीज करना है, उसके 10 या 15 मिनट बाद आपका विड्रॉल वाला ऑप्शन आ रहा है एंड काफी सारे बच्चे इसमें ऑप्शन आ रहा है, मतलब चीजें परेशान हो रहा है। कल मैं भी एक बच्चे का कर रहा था, पहले मैंने सीट एक्सेप्ट की ही नहीं, मैं विड्रॉल डायरेक्टली कर रहा था, पहले आपको एक्सेप्ट करके फ्रीज करना है या फ्लोट करना है, उसके बाद आपका विड्रॉल वाला ऑप्शन आ रहा है एंड आप विड्रॉल कर सकते हो। जिन भी बच्चों को विड्रॉल करना है आज 18 तारीख तक लास्ट डेट है एंड 7th में जिनको मिलेगा उनको रिस्पेक्टिव राउंड तक दिया जाएगा एंड देन आप विड्रॉल कर सकते हो। और कौन सी वीडियो चाहिए कि भैया इस किस राउंड तक किस क्या कट ऑफ जाएगा, अगर ये वीडियो चाहिए जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना, आपके लिए जरूर लेके आ रहे होंगे।